नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज अब निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के 18,381 पदों पर फाइल है दोस्तों वित्त विभाग को भेजी गई थी। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और आपके 10वीं पास इस बार छात्र फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब पहले आपकी वित्त विभाग को फाइल भेजी गई थी तो वित्त विभाग ने फाइल को लौटा दिया था, क्योंकि दोस्तों इस फाइल में साफ तौर पर 5वीं पास योग्यता थी जो 1999 के नियम के तहत थी। जबकि दोस्तों बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप 1999 के नियम के अनुसार 5वीं पास छात्रों को परीक्षा में शामिल करते हो और इंटरव्यू को शामिल करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र फॉर्म भरे हैं, क्योंकि 5वीं पास छात्र बहुत हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती में साक्षात्कार को हटाया जाए और 1999 के नियम को संशोधन करके 10वीं पास योग्यता की जाए, तभी फाइल को मंजूर करेंगे। तो दोबारा से फाइल भेज दी गई है, इसका अलग से सिलेबस जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दे सकते हैं वित्त विभाग को जब पहली बार फाइल भेजी गई थी तो मंजूरी नहीं मिली थी, इसीलिए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह सिन्हा ने कहा था कि 1999 के नियम के मुताबिक राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती में 5वीं पास योग्यता रखी गई थी, इस नियम में बदलाव की जरूरत है। अब बदलाव करके दोस्तों मौजूदा नियम में संशोधन करने को कहा है और जल्द ही शिक्षा विभाग के नियम में संशोधन करेगा और खाली पदों पर इस भर्ती को कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती में 25,859 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं, यानी कि फोर्थ क्लास के पद हैं। इनमें से 18,381 पद तो आपके राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के हैं। तो दोस्तों जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा, ये दे सकते हैं वित्त विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में मंजूरी मिलने के आदेश मिलेंगे और इसके द्वारा राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रहेगी दोस्तों, और उम्र सीमा की बात करूं तो दोस्तों उम्र सीमा इसमें 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के छात्र इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों अच्छी न्यूज है ये आप सबके लिए, 18,381 पदों पर जून से ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फॉर्म को लेकर स्टूडेंट भेजे हैं। दोस्तों 10वीं का रिजल्ट भी आने वाला है, तो ऐसे में 10वीं पास छात्र भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष वाले छात्र इसमें फॉर्म भरेंगे, इससे कम वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। अगर आपकी आयु 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष हो जाती है तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा दोस्तों, आपका इस सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये दे सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भर्ती संशोधित किए जाएंगे नियम, 18,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, स्कूल चपरासी के 18,381 पदों पर और इस भर्ती परीक्षा को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, RSM SSP बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये आप सबके लिए अच्छी यहाँ पर दोस्तों बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि की बात करूँ तो ये एग्जाम 2023 तक जाएगी, 2023 तक ही एग्जाम हो पाए, क्योंकि इसमें CET शायद लागू हो सकता है। हालांकि अभी दोस्तों इसको लेकर ऑफिशियली तौर पर कोई सूचना नहीं है कि CET इसमें लागू होगा, क्योंकि जो CET का नियम आया उसमें चपरासी भर्ती को शामिल नहीं किया है। और देखना होगा दोस्तों इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है, कोई भी अगर इससे संबंधित लेटर अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।